नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, शुभ प्रेडिक्शन यूट्यूब चैनल में हमारे सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत जबरदस्त तरीके से हो चुकी है। सभी मुकाबले में हमें कुछ नया और कुछ अलग देखने को मिल रही है। हाँ, लेकिन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले वर्ल्ड कप 2023 की नवा मुकाबले को, जो कि खेला जाने वाला अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में 11 अक्टूबर 2023 को इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर को 2 बजे। इस मुकाबले की हम तमाम अपडेट के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इन दोनों टीम में से इस मैच को कौन सी टीम विन करता हुआ दिखेगा। हम यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, दोनों टीम के हेड टू हेड की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और भी जानेंगे टीम इंडिया के तरफ से रोहित शर्मा किन 11 खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के अगेंस्ट में मैदान में उतारने वाले हैं और यह टीम इंडिया से भिड़ने के लिए अफगानिस्तान के तरफ से कौन से 11 खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे। ये दोनों टीम जब भी आमने सामने भिड़े हैं कौन सी टीम का पगड़ा भारी रही है, हमें इस मुकाबले रिलेटेड ढेर सारे बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रहेगी, खास करके यार वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगी। वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर वॉच करें। बाकी टॉस मैच सेशन की प्रेडिक्शन से ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में लाइफ टाइम के लिए, आपके लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल खुला है। हमारे टेलीग्राम पर आपको प्रिडिक्शन मिल जाती है मैच शुरू होने के 2 घंटे पहले, टॉस कौन सी टीम जीतेगा, कितने ओवर में कितना रन बनेगा यानी कि सेशन की जानकारी, मैच कौन सी टीम जीतेगा और भी दुनिया भर का प्रिडिक्शन जो यहाँ पे बताया नहीं जा सकता, वो सब कुछ बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको हमारे टेलीग्राम की फैमिली में स्वागत है। दोस्तों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। अब वीडियो में आगे चलेंगे, ये मैच यहाँ पे खेला जाएगा, वहाँ की पिच रिपोर्ट को विस्तार में जानेंगे, जानेंगे डिफेंड वाली टीम हो या फिर चेस वाली टीम किसके लिए यहाँ पे ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, ये बीच बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद साबित होता है या फिर गेंदबाजों के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा किसको फायदा होने वाला है। चलिए बेहतर समीकरण के साथ बेहतर प्रिडिक्शन की ओर बढ़ते हैं। इस मैच की हमने जो भी एनालिसिस किए आपके साथ शेयर करते हैं। हम यहाँ पे पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये मैच खेला जाएगा अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर। इस ट्रैक पर ओडीआई के अभी तक टोटल 27 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 13 मैच में जीत हासिल किए हैं तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम भी 13 मैच में अपने नाम दर्ज किए हैं। यहाँ की एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम की 261 रही है तो यहाँ की हाईएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका के नाम पर रही है 428 पर 5 विकेट और यहाँ की लोएस्ट स्कोर भी साउथ अफ्रीका के नाम पर रही है 99 पर 10 विकेट। हम एक बार इस बीच की स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पे बिलो स्कोर जो 200 से नीचे का स्कोर 7 टाइम बनी है, 200 और 249 तक का स्कोर 8 टाइम बनी है, 250 से लेकर 299 तक का स्कोर 8 टाइम बनी है और यहाँ की अबव स्कोर 300 से ऊपर का स्कोर 3 टाइम बनी है। ओवरऑल दोस्तों ये जो पिच मीडियम से हाई स्कोरिंग वाला पिच है, लेकिन यहाँ पे डिफेंड वाली टीम और चेस वाली टीम मैच विनर के हिसाब से इक्वल में रहे हैं। बाकी इस मैदान पर खेले गए लास्ट 5 मैच की रिपोर्ट की बात करें तो इस पांचों के पांचों मैच को डिफेंड वाली टीम में अपने नाम करिए। ऐसे में जो भी टीम का कप्तान यहाँ पे टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे चेस से ज्यादा मैच डिफेंड जो होता है। पहले का 10 ओवर में यहाँ पे 50 रन के करीब देखने को मिलेगा, 20 ओवर तक यहाँ पे 90 रन के आसपास दिखेगा, 30 ओवर में 135 से 40 की रन, 40 ओवर तक यहाँ पे 200 से लेकर 210 तक का रन और आखिरी के 50 ओवर तक यहाँ पे 280 के आसपास स्कोर बनता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें से कौन सी सेशन ऐसे होगा कौन सी सेशन नो होगा उसकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओवरऑल दोस्तों इस पिच की बात करें तो ये जो पिच है बैटिंग फेवर पिच है, यहाँ पे बल्लेबाजों का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने जो 428 का स्कोर बनाया था उस स्कोर को बनाने में साउथ अफ्रीका की 3 बल्लेबाज 3 शतक भी जड़े थे। दोस्तों यहाँ पे आप इतना याद रखिएगा ये पिच बैटिंग फेवर पिच होने के साथ साथ हाई स्कोरिंग वाला पिच भी है। ऐसे में कौन सी टीम का यहाँ पे पगड़ा भारी रहेगा, कौन सी टीम इस मैच को विन करता हुआ दिखेगा, चलिए दोनों टीम की ओर चलते हैं, देख लेते हैं इन दोनों टीम के बीच में अभी तक कितना बार आमना सामना हुई है, कौन सी टीम अभी तक किसके ऊपर हावी रही है, इस मैच में कौन सी टीम किसके ऊपर हावी रहता हुआ दिखेगा और भी बात करेंगे इनके प्लेइंग 11 की, जानेंगे इन दोनों टीम के तरफ से इस मैच में कौन से दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे इन दोनों टीम के बारे में, चलिए एक एक करके पूरी विस्तार में जान लेते हैं। चलिए यार दोनों टीम के प्लेइंग 11 की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम टीम इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। तो यार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें, इनके ओपनिंग में दिखेंगे रोहित शर्मा, क्योंकि शुभमन गिल बीमार पड़ गए थे, इनका डेंगू पॉजिटिव निकला था, अगर शुभमन गिल स्वस्थ हो गए होंगे तो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग में देखने को मिल सकते हैं। बाकी 3 नंबर में दिखेंगे विराट कोहली, 4वे श्रेयस अय्यर, 5वे केएल राहुल, 6वे हार्दिक पांड्या, 7वे रविंद्र जडेजा, 8वे शार्दुल ठाकुर, 9वे कुलदीप यादव, 10वे जसप्रीत बुमराह और 11 नंबर में मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर में आने वाले हैं। दोस्तों आज का पहला प्रेडिक्शन टीम इंडिया की तरफ से, इस मैच में विराट कोहली का शानदार प्रदर्शन के साथों साथ मोहम्मद सिराज का भी बेहतर गेंदबाजी देखने को मिलेगा। विराट कोहली 40-50 से ऊपर का स्कोर बनाते हुए दिखेंगे तो मोहम्मद सिराज भी 2-3 विकेट लेते हुए देखने को हमें मिलेंगे। अब यार अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं इनके प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी खेलने वाले हैं। तो अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो इनके ओपनिंग में दिखेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जड़न, 3वे दिखेंगे रहमत शाह, 4वे हसमतुल्लाह साइदी, 5वे नजीबुल्लाह जड़न, 6वे मोहम्मद नावी, 7वे अजमतुल्लाह ओम रजाई, 8वे राशिद खान, 9वे मुजीबुर रहमान, 10वे नवीन उल हक और आखिरी के 11 नंबर में फजल हक फारूकी खेलते हुए हमें नजर में आने वाले हैं। दोस्तों हमारे तरफ से इस मैच की दूसरा प्रेडिक्शन अफगानिस्तान की ओर से, इस मैच में अफगानिस्तान की तरफ से रहमत शाह का अच्छा
बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगा। दिन के राशिद खान का भी अच्छा गेंदबाजी हमें देखने को मिलेगा। रहमत शाह 30-35 से ज्यादा स्कोर बनाते हुए दिखेंगे तो राशिद खान भी 1-2 से ज्यादा विकेट चटकाते हुए हमें देखने को मिलेंगे। बोले तो ये तो हो गए दोनों टीम की प्लेइंग 11। यही सारे खिलाड़ी इस मैच में आमने सामने भिड़ते हुए दिखेंगे। अब यार चलिए दोनों टीम की हेड टू हेड की कंपैरिजन करके देख लेते हैं कौन सी टीम अभी तक किसके ऊपर हावी रहती हुई आई है और यार इस मुकाबले में कौन सी टीम किसके ऊपर हावी रहने वाला है। दोस्तों इन दोनों टीम की हेड टू हेड की कंपैरिजन करें तो इन दोनों टीम के बीच में अभी तक टोटल 3 ही मैच में आमना सामना हुई है। इन 3 मैच में से टीम इंडिया ने 2 मैच में जीत हासिल किए हैं तो अफगानिस्तान की टीम अभी तक इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी मैच जीते नहीं है और इनके बीच में खेले गए तीसरा नंबर मैच 9 रिजल्ट वाली रही थी जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। यहाँ पे हेड टू हेड की रिपोर्ट में टीम इंडिया अफगानिस्तान के ऊपर हावी रही है। बाकी इस वाली मैदान पर ये दोनों टीम कोई भी मैच खेले है या नहीं इसके ऊपर बात करें तो इस वाली मैदान पर टीम इंडिया ने अभी तक 21 मैचेस खेले हैं जिसमें से 13 मैच में जीत हासिल किए हैं तो 7 मैच में इनको हार झेलना भी पड़ा है और 1 मैच इनका 9 रिजल्ट वाली रही। अफगानिस्तान की टीम अभी तक इस वाली मैदान पर 1 भी मैचेस खेले नहीं है। ये पहली बार इस वाली मैदान पर अफगानिस्तान की टीम खेलने जा रहा है। यहाँ पे यार क्या ये क्लियर हो जाता है इस मैच को भी टीम इंडिया अपने नाम करेगा या फिर अफगानिस्तान की टीम इंडिया के ऊपर पलटवार करेगा। कौन सी टीम इस मैच की विनर टीम बनेगा चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पिच रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे डिफेंड वाली टीम का दबदबा रही है। दूसरे में यहाँ पे बल्लेबाजों का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी देखने को मिलती है। गेंदबाजी में हमें स्पेस गेंदबाजों का भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलती है। इन सारे रिपोर्ट के आधार से और हमने जो भी एनालिसिस किए उसके आधार पर हमारे तरफ से जो इस मैच की विनर टीम रहेगी वो रहेगी टीम इंडिया। जी हाँ दोस्तों फिर से एक बार टीम इंडिया अफगानिस्तान को अपने चपेट में लेता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सी बल्लेबाज ज्यादा रन बनाता हुआ दिखेगा और कौन सी गेंदबाज अच्छा विकेट निकालते हुए दिखेगा? आपका राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यार अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल में आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपकी प्रॉफिट वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बोल दोस्तों यही सारे थे इस मैच की रिपोर्ट, आज की वीडियो की यार यहीं पर दी एंड करते हैं। फिर मिलते हैं वर्ल्ड कप की नेक्स्ट मैच की वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए और परिवार का भी ख्याल रखिए।